दोस्तों आज आपके लिए इतनी बढ़िया रेसिपी लेके आए हूँ ना, वजन कम करने का एक खास किस्म का हम चूर्ण बना रहे हैं। इसका वो जादुई चूर्ण जो कि बिल्कुल आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है और जो आपके बड़े पेट को कम करेगा। और आसानी से इस चूर्ण को बनाइए। और क्या करना है, आपने गर्म पानी में थोड़ा सा मिलाना है और पी लेना चाय की तरह। चाय की जो आदत आप छुड़ाना चाहते हैं ना, ऐसी चाय चाहिए जिसे पीकर आपका वेट कम हो जाए और स्वाद इतनी हो कि मज़ा आ जाए, बार बार पीने का मन करे। देखिए, बड़ा वजन पेट पर खास तौर से दूर होगा और ये अपच, जलन, पेट की और कब्ज जैसी बीमारियां और मोटापा और ये दोन जो बढ़ जाते हैं ना, करती इसे बिल्कुल दूर कर देंगे, बाय बाय कर देंगे। तो एक चूर्ण बना रहे हैं, चलिए बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन लेंगे, उसे हल्का हल्का गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे जीरा। तो मैं अभी 1/4 कप जीरा डाल रही हूँ। तो भुना जीरे का दोस्तों अलग फ़ायदा होता है, कच्चे का अलग होता है, तो इस रेसिपी में दोनों ही पड़ेंगे। क्या करें, आप जीरा डालिए 1/4 कप, उसे भून लीजिए हल्का हल्का। और जब ये आधा भुन जाए, मतलब इसे हमने ब्राउन करना है, जब हल्का ब्राउनिश होना स्टार्ट हो जाए, देखिए आँच लेकिन हम कम रखेंगे, तो हम इसमें मिलाएंगे दोस्तों एक और चीज़ जो हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है अजवाइन। तो मैं डाल रही हूँ अजवाइन, डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ी कम हम इसमें अजवाइन मिला रहे हैं। इसे भी हल्का हल्का रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और जीरा भूनने में समय ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने इसे पहले ऐड किया है। आँच को कम रखते हुए हम इस रेसिपी को बनाएंगे। साथ ही जितनी हमने अजवाइन डाली है उतनी हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ को भी अभी हम पकाएंगे। देखिए, हमने ब्राउन नहीं करना है सौंफ को, इतना करना है कि कड़क हो जाए, खुशबू आने लगे। और इतनी देर में हमारा जो देखिए जीरा है वो भी भूरा हो गया, इतना ही हमें इसे भूरा करना था। इसे भूनते जा रहे हैं और खुशबू से हमारी किचन जो है बिल्कुल भर गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे लौंग। लौंग गर्म तासीर की होती है, तो 4 से 5 लौंग मिलाएंगे। इतनी क्वांटिटी में जब हम बना रहे हैं तो 100-150 ग्राम के करीब ये बनेगा। 5 लौंग के आगे पेट की गर्मी जो भी जमने नहीं देगी चर्बी को, इतनी मिलानी है कि इतनी तासीर गर्म होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलानी है। तो और साथ ही इसमें हम मिला रहे हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ठंडी तासीर का होता है, इसीलिए वो जो हम गर्म चीज़ें मिला रहे हैं तो उसको शांत करेगा। साथ ही ये पुदीना पाउडर है 1 बड़ा चम्मच। मैंने बाजार से पुदीने के पत्ते खरीद कर सुखा कर खुद ही पीसा, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं। अब 15 से 20 हम दाने डालेंगे काली मिर्च के, ये भी फैट बर्नर होते हैं, चर्बी जमने नहीं देते। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे सौंठ कहते हैं, सूखे अदरक का पाउडर। ये भी बहुत ही ज़्यादा हाजमेदार होता है, एकदम पाचन क्रिया को हमारी ठीक रखता है, पेट में कोई भी फैट नहीं जमने देगा। तो ये भी 1 बड़ा चम्मच मिला है और डालेंगे, हाजमे में अच्छा रहता है। काला नमक 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें सादा नमक या फिर सेंधा नमक डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को, क्योंकि हल्की आँच चल रही है ना, तो कुछ चीज़ें जल ना जाए, तो इसे हाथ के हाथ मिक्स करते रहिए। देख रहे हैं ना आप कितनी, जब आप इस पाउडर को बनाएंगे ना, एकदम भीनी भीनी खुशबू से आपकी रसोई भर जाएगी। और ये पाउडर न सिर्फ दोस्तों आप हाजमे के लिए अच्छा है, फैट बर्नर है, आप इसको और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बाद में बताऊँगी। अब इसमें कच्चा जीरा मिला रहे हैं, जितनी मात्रा में मैंने भुना जीरा पहले बनाया है उतना ही मैंने कच्चा जीरा ऐड किया है। और हींग, हींग के बिना तो ये रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगी। तो हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें हींग। हींग मिलाइए, मिक्स कीजिए, गैस बंद कीजिए। हमारा बढ़िया सा ये फैट बर्नर चूर्ण जो है बिल्कुल बढ़िया सा बन गया है। अब इसे चूर्ण बनाने के लिए हमें पीसना पड़ेगा। तो देखिए, सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और बस गैस को कर देते हैं बंद। और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसे डालेंगे मिक्सी के जार में। अभी मैंने इसमें दालचीनी पीसी थी थोड़े दिन पहले, तो वही निशान रहेंगे। अक्सर मैं मांझती नहीं हूँ सूखे मसाले, मैं इसे ही झाड़ के मिक्सी को रख लेती हूँ। आप भी ऐसा करते हैं क्या? तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया चूर्ण, तो इसे अब हम पीसेंगे, चूर्ण बनाएंगे अभी। तो ये चूर्ण बनेगा पीसने के बाद, तो देखिए बना है कि नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा करामाती जादुई पतला करने वाला, मैं कहूँगी पतला करने वाला चूर्ण तैयार हो गया है। और इसे एक तार अच्छे से पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए और बैचेस में पीसिए, 2 बार में पीस जाएगा। और इसे ठंडा करके हम बर्नी में भरेंगे। तो अभी तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी, थोड़ा फैला दूँगी। तो ये देखिए, इसे तो मैं इसे पलट देती हूँ एक बर्तन में, और दूसरे बैच को भी अभी हम फ्राई करेंगे, मेरा मतलब पीस लेंगे। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा जो है रेडी है। इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी पीसा है 2 बार में, तो हम चाहते हैं सभी एक सार हो जाए। तो पहले आप पीसने के बाद हमेशा मिक्स किया कीजिए। और ये देखिए, मैंने इसे भर लिया बर्नी में बहुत ही अच्छे से। और ये अब मैं रोज़ पीऊँगी चाय की तरह। चाय की जब आपको इच्छा होती है ना, तो चाय हमें एसिडिटी देती है, कभी कभी पी सकते हैं, लेकिन फैट बर्नर चूर्ण का अगर आप चाय बना के पीते हैं इस तरह से तो अच्छी रहती है। साथ ही ये बहुत टेस्टी चूर्ण है, इसे आप चाट मसाले की तरह फ्रूट पर डालकर खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे सेब पर डाल दिया है, मैं खा के बताती हूँ इसका स्वाद कितना बढ़ गया। चाट मसाला ज़बरदस्त, ओहो बहुत टेस्टी हो गया, एकदम
जो खुशबू आ रही है ना मसाले की, आप खुद पीसेंगे खुद बनाएंगे तभी पता चलेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा लगा कर खाने में मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी, इसके का स्वाद ही बढ़ा दिया। इसे आप लस्सी पर डालकर छाछ मसाले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारी जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड की हैं जो कि बहुत ही टेस्टी रहती हैं, हाजमे कारक होती हैं और हमारी इंडियन किचन में हमेशा रहती हैं ये सब चीज़ें, तो इसे एक बढ़िया सी मसाला छाछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। रायते मसाले की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम खाने के साथ खाते हैं तो ये चूर्ण धीरे धीरे हमारे पेट में जाता रहेगा और हमारा हाजमा दुरुस्त रखेगा, वज़न तो बिल्कुल नहीं बढ़ने देगा। और अगर आप चाहते हैं बहुत तेज़ी से वज़न कम करना तो आप इसे दिन में 2 बार इस तरीके से चाय की तरह पी सकते हैं, गर्म पानी में मिलाकर 1 छोटा चम्मच, साथ इसमें नींबू का रस मिलाइए जो इसका स्वाद भी बढ़ा देगा और जल्दी से फैट लॉस करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये टेस्टी टेस्टी मैंने तो बना लिए चूर्ण वाली चाय अपने लिए, और जो कि पीने में इतनी अच्छी है ना, तो आप एडिक्ट हो जाएंगे एक बार पियेंगे, तो बहुत टेस्टी है। आपको कोई भी परेशानी है इस चाय को पीजिए, वेट कम कीजिए, हाजमा दुरुस्त कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी चूरन की, अच्छी लगी है तो जल्दी बनाइएगा और इससे कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।